निकल चुके शिव जी की ससुराल की तरफ। रात को देखो गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है। महादेव हैं और इनके हाथ में देवी सती के जो पिता थे दक्ष। तो गाइस एक बार अपना मुंह धोया और भाई का फोन ही है भाई फोन बजा दिख रहा है ना। और अब तो निकल चुके हैं कंठन की तरफ ओ शिव जी की ससुराल की तरफ। और भाई ऐसे लगा तो जी देखो हाईवे, ये हाईवे है गाइस हाईवे देखो भाई। सो गाइस आ चुके हैं हम और यार यहाँ तो लिटरली बहुत अच्छा व्यू है गाइस। मेरे मेरे सामने मेरे भोलेनाथ और ये रे मेरे भोलेनाथ और माता और ये रे। चलो गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं अच्छे से। बहुत सुकून मिलता है मुझे मेरे भोलेनाथ की नगरी में आके। भोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास और सारे दुख भूल जाता हूँ। चलो गाइस चलते हैं दर्शन करने चले भाई। महादेव हैं और इनके हाथ में देवी सती आदि शक्ति माता। तो गाइस ये महादेव उनके हाथ में देवी सती हैं और ये देवी सती जो हैं मर चुकी थी जब ये जब का ये सीन है। और देवी सती के जो पिता थे दक्ष, देवी सती जी के जब जो पिता थे दक्ष राजा दक्ष, उन्होंने एक अनुष्ठान किया था और उस अनुष्ठान में इन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था और ये देवी सती आ गई थी। उन्होंने अपमान पाकर अपनी जो है आत्मदाह कर लिया था। सो गाइस शूज अपने ताल लिए हैं और अब दर्शन करने चलते हैं अपने। सो गाइस एक बार अपने मुंह हाथ धो लेते हैं और पैर धो लेते हैं फिर अंदर चलते हैं मंदिर के। मेरे ये जो है दक्ष प्रजापति का महल है था और दक्ष प्रजापति जो है प्रजापिता ब्रह्मा के पुत्र थे और जो देवी सती थी वो भगवान शंकर जी की पत्नी थी और उन्होंने जो है अपने जमाई के रूप में स्वीकार नहीं किया था दक्ष प्रजापति ने महादेव को। तो महादेव ने उनकी इंसल्ट करने के लिए एक अनुष्ठान किया और उन्हें आमंत्रित नहीं किया और देवी सती भावुक होकर कि वो मेरे पिता हैं और वो आ गई और दक्ष प्रजापति जो थे उन्होंने उनका वहाँ पर अपमान किया और महादेव भी सहन नहीं कर पाए और जब देवी सती भी सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने सती अपने आप को सती कर लिया और अग्निदेव से कहा कि मुझे भस्म कर दो। अग्निदेव ने उन्हें भस्म कर दिया। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो माता सती को भस्म कर दे। ठीक है उन्होंने अपने आप को कहानी सुनी चलना अभी मैंने चुप होगा मैं हाँ तो बोल लो आगे। अग्निदेव ने कहा कि माता मेरे बस की नहीं है ये काम। तो माता सती जो है उन्होंने खुद अपने आप को भस्म कर लिया। हाँ जी। सो गाइस कौन से हो? दस गंगा में भी स्नान करते हैं। कहाँ से नहा चुके हैं और अब गाइस दर्शन करते हैं। ओ भाई व्यू चेक कर लो कितना बढ़िया आ रहा है। चलो गाइस अब दर्शन करने चलते हैं। अब कुछ देर में गाइस मंदिर खुल जाएगा 8 बजे खुलेगा और देखो गाइस अंधेरे में कितना अच्छा लग रहा हो भाई कितना अच्छा लग रहा है अंधेरे में भाई। देखो इधर भी रेड अभी बनाऊंगा सामने से ये देखो। रात को देखो गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है इस मंदिर का। वाह भाई लिटरली इतना सुंदर लग रहा है ये इतनी अच्छी लाइटिंग हो रही है इसमें भाई वाह दिल को सुकून मिल गया यहाँ पे। अब आरती स्टार्ट होगी यहाँ से।
अबे यार वीडियो बन रही है। आरती स्टार्ट हो गई। आरती इधर इधर हो जाएगी जी। आरती में इतना मज़ा आया आप सोच भी नहीं सकते। और दिल को सुकून मिल गया भाई के। तो हाथ देखो कैसे हो गए। ये देखो ये कहाँ से फट गए। चलो कोई बात नहीं, तो महादेव का प्यार है। सोच चेंज कर लिए गाइस मैंने अपने। ये थोड़े गंदे से हो गए इसलिए वाले पहन लिए। चलो चलते हैं रेलवे स्टेशन पे, ऋषिकेश चलते हैं हम लोग। और गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दो। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख लो जी लास्ट व्यू यहाँ का। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं गाइस ऋषिकेश जा रहे हैं। देखो जी क्या अच्छा व्यू लग रहा है। चलो जी चलते हैं बाहर। सब पकड़ के जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन। फिर से गाइस हम हरिद्वार आ चुके हैं। और अब गाइस हम हरिद्वार से ऋषिकेश जाएंगे। और ऋषिकेश से तो सो गाइस देखना कहाँ सोना पड़ रहा है। क्या हुआ भाई? अरे बिस्कुट ले आ रहा हूँ। किन है? तो जी जमीन पे लौटे हैं।